स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना सेकंड हमारी फ्री लाइव क्लास के अंदर, जिसको हम डेमो क्लास के नाम से भी बोल सकते हैं और सेकंड फ्री लाइव क्लास के नाम से भी पहचान सकते हैं। सभी लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर है ना? ठीक है, ऑडियो वगैरह सब क्लियर है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि पहली हमारी फ्री लाइव क्लास जब हुई थी हमने क्या क्या चीजों को समझा था। हमने हमारी जो पहली फ्री लाइव क्लास हुई थी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था, फिर इसके बारे में हमने हिंदू मैरिज एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में समझा था कि 1955 को हमारा हिंदू मैरिज एक्ट तो लागू हुआ था। ठीक है, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि 1955 से पहले अपना क्या होता था, यहाँ पे एक प्रोविजन होता था कि जो हिंदू मेल होते थे ना उनके पास अनलिमिटेड वाइफ रखने का अधिकार था। जैसे हम देखते हैं ना राजा महाराजाओं की इतनी सारी बीवियां थी, क्योंकि पहले जमाने में 1955 से पहले कोई भी डिवोर्स नाम का कंसेप्ट नहीं होता था। इसी वजह से यहाँ पर जो हिंदू मेल होते थे उनके पास अनलिमिटेड वाइफ अपना रखने का अधिकार होता था। लेकिन फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कानून पास करे हिंदुओं के रिगार्डिंग। तो वो हमारे कानून कौन से थे, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जिसको हम हामा के नाम से जानते हैं 1956, एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। फिर हम क्या कहते हैं कि इसका ना एक प्रेम्बल होता है, प्रेम्बल के अंदर बोला है कि भाई अगर इस कानून को आपको अमेंड करना है कर लो, और ये जो हमारा कानून है ना ये कोडिफाइड है, सेक्शंस में डिवाइडेड है और केवल मैरिज के बारे में बात करता है। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो कानून है इसको आप अमेंड करना चाहो कर दो, और ये कानून जो है कोडिफाइड है और ये किसके रिगार्डिंग है, हिंदू मैरिजेस के बारे में बात करता है, रिलेटिंग टू हिंदू मैरिजेस अमंग हिंदूज। ठीक है, अब हिंदू मैरिज एक्ट को अच्छे से याद करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर कोई मेरा जुडिशियल एग्जाम है या एपीओ का एग्जाम है या कोई भी एनी अदर एग्जाम है मेरा, तो वहां पे मेरे को क्या याद रखना पड़ेगा, हिंदू कौन होते हैं, मैरिज क्या होती है, कानून ने हिंदुओं के बारे में क्या बताया हुआ है, कानून ने मैरिज के बारे में क्या बताया हुआ है, ये तीन चीजें आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। आपका तब एक लेवल आ जाएगा कि हाँ मेरे को कोई भी बीट करने वाला नहीं है पर्टिकुलर फैमिली लॉ के अंदर। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था, हु इज हिंदू का एक बड़ा टॉपिक है, उसमें से एक कंटेक्स्ट है हमारा, एक एरिया वाइज मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, याद करवाऊंगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैंने क्या कहा था भाई, देखो अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, हिंदू कौन है, मतलब कहां से इनका हिंदू नाम के शब्द का जन्म हुआ था। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग अपना सिंधी नदी के पास के किनारे पे रहते थे, अपना घर बना के, कुटिया बना के, तो ऐसे केस में उन लोगों को अपना हिंदू का दर्जा दिया जाता था। उन लोगों को बोला जाता था कि ये सभी लोग जो सिंधी नदी के किनारे पे रहते हैं, तट पे रहते हैं, एट द बैंक्स ऑफ द सिंधी रिवर, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं। अब यहाँ पे सा और हा का खेल होता था, ब्रिटिशर्स जो है ना वो सा को हा बोलते थे उस टाइम पे, इसी वजह से सिंधी सिंधु ना होकर हिंदू नाम हमारा रख दिया गया था। ठीक है, ये भी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई थी, याद हो गई थी, लास्ट क्लास में आपको ये चीज मैंने सिखाई थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज अच्छे से सिखाई थी कि जो लोग अपना सिंधी नदी के किनारे के पास ऊपर रहते थे, तट पे रहते थे, उनको हिंदू बोला जाता था, क्योंकि स और ह का खेल होता था। फिर मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे ना हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं हमारे हिंदुओं के अंदर, तो हमारे हिंदू के अंदर एक कंसेप्ट क्या होता है कि द गॉड इज रियल, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, ब्रह्म सत्यम। फिर मैंने क्या कहा था, पूरी दुनिया अनरियल है, इसको हम क्या बोलते हैं, जगत मिथ्या। फिर हम क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसका रीबर्थ होता है, इसको हम अपने हिंदुओं के कंसेप्ट में क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म। फिर हमने क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ने अपनी कोई अच्छे कर्म करे, अच्छे एक्ट्स करे, बुरे एक्ट्स करे हैं, उसको वो अच्छा बेनिफिट्स या बुरे बेनिफिट्स उसको जो है उसी बर्थ में मिलेंगे, वो क्या नाम हिंदुओं में क्या बोला जाता है, इसको कर्म। और अगर कोई आप अच्छे अपना धार्मिक अपना मन बनाते हो, अच्छे लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, तो उसको हिंदुओं के अंदर किस कंसेप्ट से जाना जाता है, परोपकार। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचते हो तो उसके लिए बोलते हैं पड़पेडनम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए चीजें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बताई थी लास्ट क्लास में। फिर हमने क्या कहा था कि हिंदू कौन होते हैं, मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि अगर कोई भी बच्चा लेजिटिमेट है या कोई भी बच्चा इललेजिटिमेट है, वो हिंदू कब माना जाएगा, अगर उसके माँ बाप हिंदू होंगे, दोनों माँ बाप अगर उसके हिंदू होंगे तो बच्चा हमारा क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, एक और क्वेश्चन कि भाई माँ बाप हिंदू हैं, ये कैसे पता लगेगा, ये हमें ऐसे पता लगेगा कि अगर माँ बाप जैन सिख बौद्ध से बिलोंग करते हैं, कोई भी रिलीजन से, तो माँ बाप हिंदू माने जाएंगे, ये भी हमारा सीधा कंसेप्ट था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था कि मान लेते हैं कि अगर शादी नहीं हुई है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वो क्या बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा, इललेजिटिमेट माना जाएगा, वो बच्चा इललेजिटिमेट माना जाएगा, ये क्लियर है, इसके ऊपर हमारी कल की क्लास में चर्चा भी हुई थी।
फिर मैंने क्या कहा था आपको कि मान लेते एक पेरेंट हिंदू है, एक पेरेंट नॉन हिंदू है, तब क्या होगा? ऐसे केस में बच्चे का ब्रॉटअप देखा जाएगा कि बच्चे का लालन पालन किस धर्म से हुआ है। हिंदू धर्म से हुआ है तो बच्चा हिंदू, दूसरे धर्म से हुआ है तो बच्चे को दूसरे धर्म से मान लेंगे। फिर हमें क्या कहा था कि अगर मान लेते कि एक पार्टी मुस्लिम है दूसरी पार्टी हिंदू है तो क्या वो अपनी शादी रचा सकते हैं? बिल्कुल, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। दो हिंदू है, अगर वो अपनी हिंदू मैरिज एक्ट से शादी नहीं रचाना चाहते, स्पेशल मैरिज एक्ट से रचाना चाहते हैं, तो क्या वो रचा सकते हैं? बिल्कुल रचा सकते हैं। एक बार मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताओ कितने लोगों को ये सारी बातें याद हैं, क्योंकि मैं ना हर क्लास में 10 मिनट देता हूँ रिवाइज करवाने के लिए। मैं जो है हर क्लास में 10 मिनट देता हूँ रिवाइज करवाने के लिए। सभी लोगों को याद हो रही है ना ये चीजें? सभी लोगों को ये चीजें याद हो रही है और समझ में भी आ रही होंगी कि कल हमने ये चीजों को डिस्कस करा था, अच्छे से पढ़ा था, और आज बस 10 मिनट में हम इस चीज को रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है जी, चलो चलो चलो। अब मैंने एक और नोट लिखवाया था कि भाई देखो, अगर ऐसे केस में मान लेते स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुई है या दो हिंदुओं ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी रचाई है तो उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल कभी नहीं होगा। याद रखना, उनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा। ठीक है, उनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट अपना लागू होगा, याद रखना मेरी बात। ठीक है, चलो। अब मैंने एक बार क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करा था कि अगर एक पेरेंट हिंदू है, एक पेरेंट नॉन हिंदू है, इसके लिए कौन सा केस याद कराया था? माइना बेबी वर्सेस ओट्राम 1861 का। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी? यहाँ पे हमने कहा था ना कि एक वाइफ थी, वो अपना हस्बैंड को छोड़कर चली गई थी, फिर वो क्रिश्चियन के साथ रहने लग रही थी, फिर क्रिश्चियन और उस हिंदू लड़की का दो बच्चे का जन्म हुआ था, फिर दो बच्चों का यहाँ पे आया था कि ये बच्चे हिंदू माने जाएंगे, नॉन हिंदू माने जाएंगे। ऐसे केस में ये अज्यूम करा गया था कि अगर क्रिश्चियन की डेथ हो गई है या हो जाएगी, ठीक है, ऐसे केस में बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? माँ करेगी। माँ कौन है? हिंदू है, तो बच्चों को भी ब्रॉटअप एज हिंदू माना जाएगा, तो बच्चे हिंदू माने जाएंगे। ये हुआ था इस केस में। ठीक है, फिर इस केस में हमने एक और बात करी थी, यज्ञ पुरुष दास वर्सेस अपना मूल दास भोजर दास वैश्य 1966 सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने बात करी थी। इस केस के अंदर हमने क्या कहा था कि जो लोग अपना सत्संगी होते हैं, ब्राह्मी होते हैं, स्वामी नारायण जी को फॉलो करते हैं, उनको हम सहजानंद बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग स्वामी नारायण जी को अपना फॉलो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, वो भी अपना हिंदू माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वामी नारायण जी अपने आप में क्या थे? हिंदू थे। स्वामी नारायण जी अपने आप में क्या थे? हिंदू थे। इसी वजह से जो लोग फॉलोअर्स होते हैं स्वामी नारायण जी के, सहजानंद के या सत्संगी के या ब्राह्मी के, वो भी अपने हिंदू माने जाते हैं। एक चीज और हमने पढ़ी थी कि स्वामी नारायण जी आर द रिफॉर्म सेट्स ऑफ हिंदू। स्वामी नारायण जी आर द रिफॉर्म सेट ऑफ हिंदू। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ब्रांचेस ऑफ द हिंदुइज्म क्या होती है, या ऑफ शूट्स ऑफ द हिंदुइज्म क्या होती है, तो जैन, सिख, बौद्ध, ये भी हमने पढ़ा था। अब एक बार एक और कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई वो एक और कैटेगरी होती है हिंदुओं की कि जो लोग मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, वो भी अपने कौन सा धर्म बचा? फिर हिंदू बचा। तो ऐसे लोगों को भी हम हिंदू मान लेते हैं। इसके लिए कौन सा केस आ रहा है बताओ? अभी लोग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसे भी राजकुमार वर्सेस बारबेरिया का केस यहाँ पे हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि अपना एक फादर था और एक मदर थी, दोनों के आपस में शादी हो गई थी, फिर शादी हो जाने के बाद उनका एक बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चे का जन्म हो जाने के बाद बच्चे का यहाँ पे आइडेंटिटी के बारे में बात आई कि बच्चा जो है हिंदू माना जाएगा या बच्चा नॉन हिंदू है। तो ऐसे केस में हम कौन सा रूल एप्लीकेबल करेंगे? पहला रूल तो क्या है, माँ बाप अगर हिंदू है बच्चा हिंदू है। भाई एक माँ बाप, एक माँ पापा हिंदू है या मम्मी नॉन हिंदू है, ये सिचुएशन थी। ऐसे केस के अंदर तो पहली सिचुएशन हमारी एप्लीकेबल होगी नहीं। फिर हमने दूसरी सिचुएशन क्या पढ़ी थी कि अगर बच्चे का लालन पालन देखा जाएगा तो कोर्ट ने बोला, हाँ जी पापा जी बताओ बच्चे का आपने लालन पालन कैसे कराया? जी पता नहीं। हाँ जी माता श्री बताओ आपने बच्चे का लालन पालन कैसे कराया? जी पता नहीं। तो वैसे केस में ये फैक्ट बहुत डिफिकल्ट हो गया। अब हमारे दिमाग में तीसरी सिचुएशन आई कि अगर ये कोर्ट में प्रूव हो गया कि ये मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यू नहीं है, पारसी नहीं है, तो बच्चा क्या? ये हिंदू होंगे, ये हिंदू होंगे। तो ऐसे केस में राजकुमार वर्सेस बारबेरिया का केस में ये रूल एप्लीकेबल करा गया था। और यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो लोग मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यू नहीं है, पारसी नहीं है, तो वो हिंदू ही होंगे, वो हिंदू ही हिंदू होंगे। तो ये रूल अपना एप्लीकेबल करा और बच्चों को क्या माना कि भाई तुम हिंदू हो। क्यों? क्योंकि तुम मुस्लिम तो हो नहीं, ये फैक्ट प्रूव नहीं कर पाए, ना फैक्ट शो कर पाए, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, ज्यू नहीं हो, पारसी नहीं हो, इसलिए तुम्हें हिंदू बोल रहे हैं। फिर हमने क्या कहा था कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना राजकुमार वर्सेस बारबेरिया के केस में जो हमने अभी पढ़ा, ये रूल ऑफ एविडेंस है, जनरल रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठप्पा लग गया कि अच्छा बेटा तुम क्या हो, कोई फैक्ट शो नहीं है तो आंखें बंद करके हम इसको बोल देंगे बेटा तुम तो हिंदू हो, तुम दूसरे धर्म के नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात कोर्ट में एज एविडेंस के रूप में प्रूव करनी पड़ेगी, देन देयर आफ्टर कोर्ट विल प्रूव दिस।
कोर्ट विल जस्ट डिक्लेयर दिस पर्सन एज अ हिंदू और नॉट। समझ में आ गई मेरी बात? ये मैंने आपको बताया था एग्जाम में चीज पूछी जाती है, ठीक है। चलो अब हम आज की क्लास का अपना मुद्दा स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में मैंने कहा था कि आपको रिवाइज करवा दूंगा, 10 मिनट में अप्रोक्सीमेटली मैंने रिवाइज करवा दिया। आगे चलते हैं, जितनी ज्यादा रिवीजन उतना कंपटीशन हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बार बार ये बोला था, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेहतर आपका क्या होगा, कंपटीशन कम होगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन से आपका काम बढ़िया होगा, याद रखना। अब यहां पे मुद्दे की बात, एक और कंसेप्ट आता है कन्वर्जन टू हिंदुइज्म। मान लेते मैं क्रिश्चियन हूं और मैं कन्वर्ट करके हिंदू बनना चाहता हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग मुझे बताओ यस और नो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं हिंदू क्रिश्चियन हूं, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ठीक है, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो ऐसे केस में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं हिंदू में, तो ऐसा मैं कर सकता हूं, यस और नो? जल्दी बताओ यार चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी जल्दी। द आंसर इज यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। द आंसर इज यस, मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं जो है हिंदू हूं और क्रिश्चियन हूं और मैं कन्वर्ट करके हिंदू बनना चाहता हूं, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट मेन पॉइंट यहां पे, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, पुराने जमाना इन द सेंस जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ था, मैं तब की बात कर रहा हूं, या फिर मैं तब की बात भी नहीं कर रहा, मैं तब की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोगों के पास बेरेट है, आप लोगों के पास बेरेट है, तो एक बार सेक्शन नंबर, चलो कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ना, बेरेट रीडिंग बाद में करेंगे। तो वहां पे ना एक अमेंडमेंट करी गई थी बेरेक के अंदर, मैं को अमेंडमेंट नंबर याद नहीं आ रहा, उस टाइम से ना ये कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया था, ये कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया था, बट कोई बात नहीं, वो देख के बता दूंगा मैं बाद में। तो मुद्दे पे आते हैं, तो पहले क्या बोला जाता था कि भाई हिंदू लोग ना कन्वर्ट करके नहीं बनते, हिंदू लोग पैदा होते हैं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट पहले के जमाने में था, ये सेक्शन नंबर 2 में पहले था, ठीक है, कि हिंदू लोग अपना कन्वर्ट नहीं होते, उनको वो पैदा होते हैं। तो क्या बोला जाए, हिंदू इज बॉर्न नॉट मेड, हिंदू को बनाया नहीं जाता कि कन्वर्ट वगैरह करके बना दो, वो पैदा होते हैं, बनते नहीं है, ये पहले का कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन इस कंसेप्ट को अपना रिमूव कर दिया गया था अमेंडमेंट आने के बाद, जो मैंने आपको कहा है कि सेक्शन नंबर 2 में अमेंडमेंट थी, ठीक है, पहले थी ये। तो ऐसे केस में अगर मेरे को बेरेक मिल जाता है ना भाई, तो मैं आपको भी दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों के पास भी बेरेक होना चाहिए, ठीक है, बिना बेरेक के, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही है, 3-4 क्लासेस के बाद जिस बच्चे के पास बेरेक नहीं होगा, बस ध्यान रखना बहुत डांट खाएगा वो, ठीक है। देखो जरूरत के टाइम ही बेरेक नहीं मिलती, इतनी सारी बेरेक रखी हुई है मेरे पास, बट जरूरत के टाइम पे जो जरूरी बेरेक है ना वही नहीं मिल रही। देख के बता देना एक बार आप लोग कौन सी अमेंडमेंट रिमूव करा गया था। गुड मॉर्निंग अंकित तिवारी, ठीक है, सभी लोगों को समझ आ गया कि पहले हुआ करता था कि हिंदू जो है बॉर्न होते हैं, मेड नहीं होते, ये कंसेप्ट को रिमूव कर दिया था सेक्शन नंबर 2 में से, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब मुद्दे की बात आती है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा पेरुमल वर्सेज पुन्नु स्वामी, ये लैंडमार्क केस है, यही मेंस में लिख के आना होता है, ये याद करना होता है, इसी के फैक्ट्स याद रखने होते हैं, हमेशा याद रखना, जो मैं आपको केसेस बता रहा हूं बस उन केस पर ध्यान देना, इधर उधर के केसेस पर ध्यान, सेक्शन 2 प्रियंका, सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 को रिमूव के अंदर रिमूव कर दिया था, वो देख के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट वो याद नहीं रखना था, बस एक बार ऐसी नजर मान लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, राजस्थान वगैरह पेपर, राजस्थान में शायद नहीं आता, तो राजस्थान वगैरह का एग्जाम में ना वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो हमारे दिमाग के ऊपर से जाते हैं, ठीक है, अगर आपको पता होगा राजस्थान में कभी कभी बहुत डीपली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बेरक बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है पूरा। चलो याद रखना, कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के लिए हमें केस कौन सा याद रखना है, पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी, इस केस में 1971 का, इस केस में क्या हुआ था, एक लड़का था और एक लड़की थी, लड़का था अपना क्रिश्चियन, लड़की थी अपना हिंदू, दोनों ने अपना शादी रचा ली, दोनों प्यार करते थे, या एज अ केस में भी, ठीक है, एक क्रिश्चियन लड़का और एक हिंदू लड़की ने आपस में शादी रचा ली थी, तो क्या हो गया, अब लड़के ने क्या करा, लड़के ने जो कस्टम फॉलो करने थे वो क्रिश्चियन के कस्टम फॉलो नहीं करे शादी करते हुए, वो हिंदू के, लड़की के अपने कस्टम को फॉलो करा, जिसको जैसे आपको पता होगा पानी ग्रहण का एक कस्टम होता है, कन्यादान का एक कस्टम होता है, वरमाला डालने का एक कस्टम होता है, सप्तपदी का अपने कस्टम होता है, जो कि मैंडेटरी कस्टम है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो लड़के ने क्या करा, लड़के ने लड़की के कस्टम को फॉलो करते हुए, यानी कि हिंदू के कस्टम को फॉलो करते हुए शादी करी, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो जी, लड़का लड़की की शादी हो गई, लड़का था क्रिश्चियन, लड़की थी हिंदू, और क्रिश्चियन लड़के ने हिंदू लड़की के साथ शादी रचाई हिंदू कस्टम फॉलो करते हुए, हिंदू रिचुअल्स फॉलो करते हुए, ठीक है, समझ में आ गई। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा शादी अपना हिंदू करने से या शादी अपना क्रिश्चियन के
तौर से होने से, क्योंकि एट द एंड मान लेते बच्चे का जन्म होगा अगर इनके, तो क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि बच्चा हिंदू है या क्रिश्चियन है। अब बच्चा हिंदू या क्रिश्चियन के लिए हमारे को सेकंड रूल याद होना चाहिए कि अगर एक पेरेंट हिंदू है सेकंड पेरेंट नॉन हिंदू है तो कौन सा रूल लगेगा, ब्रॉटअप वाला। तो वो देखा जाएगा बच्चा का लालन पालन कैसे हुआ है, समझ मेरी बात या नहीं, बच्चे का लालन पालन कैसे हुआ है। अगर बच्चे का लालन पालन हिंदू धर्म से हुआ है तो हिंदू, और अगर क्रिश्चियन धर्म से हुआ है तो क्रिश्चियन। लेकिन ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पेरुमरवर से पुण्यस्वामी के केस में ये चीज नहीं है, ठीक है। हमारे को क्या दिमाग में यहाँ पे आया, फिर जब लड़का जो क्रिश्चियन था और लड़की जो हिंदू थी दोनों के आपस में शादी हुई, दोनों की आपस में जब शादी हुई तो बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, एक सेकंड रुकिएगा, तो बच्चे का यहाँ पे जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, अब मियां बीवी हो गए थे, ठीक है, अपना ये मियां बीवी हो गए थे, इनका ना आपस में डिस्प्यूट्स होने लगे, इनके आपस में डिस्प्यूट्स लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर क्या हुआ, वाइफ जो है ना अपना अलग जाके रहने लग गई, वाइफ जो है अपना अलग जाके रहने लग गई अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को ले गई और वाइफ जो है अपना अलग जाके रहने लग गई। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई ना, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, मां ने अपने बच्चे से बोला कि भाई सुन बेटा सुन, अपने पापा के से तू क्या कर ले, अपना सक्सेशन की प्रॉपर्टी को क्लेम कर ले, सक्सेशन की प्रॉपर्टी को तू क्लेम कर ले। लॉजिकली समझना सारी बातें, एक सीढ़ी बाय सीढ़ी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, अगर आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चीजें सीखते रहोगे फैमिली लॉ के अंदर बहुत ज्यादा आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी, याद रखना। तो मां ने अपने बेटे से बोला कि बेटे तुम जो है अपना अपने पापा के तुम्हारे पापा के पास पैतृक संपत्तियां हैं, पैतृक संपत्तियां हैं, तो तुम्हारे पास भी अधिकार है हिंदू होने के नाते, बेटा तुम जो है अपने पापा की पैतृक संपत्ति पे हक ले सकते हो, ठीक है, तो बेटा तुम कोर्ट में केस फाइल कर दो, ठीक है। चलो कि को पार्शनरी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट हिज फादर, बेटा तुम अपने पापा के खिलाफ सूट फाइल कर दो और पैतृक संपत्ति को क्लेम कर लो, ठीक है। अब किस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैरिज कि अब ऐसे केस में जो फिर सूट फाइल हो गया, मामला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ठीक है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या यहां पे बच्चे को पैतृक संपत्ति मिलने का हक दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि फादर जो बोल रहा था, फादर बोल रहा था कि भाई साहब मैं तो क्रिश्चियन हूं, हमारे क्रिश्चियन के धर्म में कोई पैतृक संपत्ति का ना कानून नहीं है, हमारे क्रिश्चियन धर्म में पैतृक संपत्ति के लिए कोई बच्चा एक बच्चा जो अपने बाप से हक नहीं मांग सकता है, तो ये कहां से उठ के आ गया भाई, मेरे से अपना हक बनाने के लिए, मेरे से हक मांगने के लिए पैतृक संपत्ति के ऊपर। लॉजिकली सबको कहानी समझ में आ गई, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, सभी लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि सभी लोगों को कहानी समझ में आ चुकी है, बताओ चैट बॉक्स के अंदर। अभी तक जितनी मैंने आपको कहानी समझाई है, पेरुमल वर्सेज पुण्यस्वामी की, पेरुमल वर्सेज पुण्यस्वामी का केस है, कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के लिए, कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के लिए। किन किन लोगों को कहानी समझ में आ गई है बताओ एक बारी प्लीज, आगे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पे अपना क्वेश्चन रेज करा, यहाँ पे अपना क्वेश्चन अपना रेज हुआ कि सबसे पहला पॉइंट कि जो आपकी शादी हुई है वो कौन से धर्म से हुई है, अपना क्रिश्चियन ने बोला कि जसाब हिंदू धर्म से हुई है, और आप हो क्या, जसाब मैं क्रिश्चियन हूं। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना रूल एप्लीकेबल करा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज कैटेगराइज एज कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपकी जो शादी हुई है ना, तो ये एक तरह से प्रिज्यूम करा जा रहा है कि आपने अपना क्रिश्चियन धर्म छोड़ के आपने कन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म के अंदर, और जब आपने हिंदुइज्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो हिंदू के अंदर अपना एक रूल होता है कि जो बच्चा है वो हिंदू अगर होने के तहत वो अपने पापा से क्या कर सकता है, पैतृक संपत्ति के ऊपर अधिकार अपना बना सकता है, पैतृक संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार अपना बना सकता है, समझ रहे मेरी बात क्या नहीं, पैतृक संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार अपना बना सकता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जेंटलमैन आप भले क्रिश्चियन क्यों ना हो, आपने जो शादी रचाई है वो हिंदू धर्म में रचाई है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म है आपने वो छोड़कर कन्वर्ट करा हिंदुइज्म के अंदर, फिर हिंदू के अंदर आपने शादी रचाई और जो बच्चे का जन्म हुआ वो ऑलरेडी हिंदू है, और हिंदू धर्म के तहत एवरी चाइल्ड इन द हिंदुइज्म इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कोपार्शनरी प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर। आपका क्रिश्चियन धर्म जो कहता होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी आपने अपने आप को क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म के अंदर,
और इसी वजह से हिंदू अपना कानून के अंदर क्या माना जाता है कि चाइल्ड इज एंटाइटल्ड फ्रॉम हिज फादर टू क्लेम को पार्शनरी प्रॉपर्टी या फिर इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के नाम से जान सकते हैं। तो ये हमारा पुण्यस्वामी का पेरुमल वसित पुण्यस्वामी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरुमल वसित पुण्यस्वामी का केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबको कहानी समझ में आ गई? और ये भी एक बात बताऊं, ये भी अपना जनरल रूल नहीं है, ये भी एविडेंस एविडेंस के बेसिस पे अपना डील करा जाएगा। कि अगर सबूत ऐसे आए कोर्ट के अंदर, सबूत ऐसे आए तो कि बच्चा अपना हिंदू है या नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बात। पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों मां बाप हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू है। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पेरेंट नॉन हिंदू है एक पेरेंट हिंदू है तो ब्रॉटअप वाला रूल आएगा। तीसरी बात हमने क्या कही थी कि अगर मान लेते हैं कि वो जो मां बाप है वो अगर मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते, हिंदू और क्रिश्चियन धर्म को फॉलो नहीं करते और अपना जीव धर्म को या पारसी धर्म को फॉलो नहीं करते तो वो भी हिंदू माने जाएंगे। अब एक चौथी कंडीशन एक अपना कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के बारे में आती है, कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के बारे में आती है। यहां पे क्या था, लड़का क्रिश्चियन था, लड़की अपना हिंदू थी, ठीक है, शादी दोनों की हुई है हिंदू धर्म से, बच्चा जो है अपना, बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चा जो है अपने आप में हिंदू से अपना कोपार्शनल प्रॉपर्टी डील करेगा या हिंदू धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से कोपार्शनल प्रॉपर्टी अपना क्लेम करेगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है कि बच्चा हिंदू है या क्रिश्चियन है। लॉजिकली क्लियर हो रहा है? ये जो बातें थी हमने किस में डील करनी थी कि बच्चा क्या होगा, बच्चा हिंदू होगा या क्रिश्चियन होगा, ये तीन बातें हमारी बच्चे के आइडेंटिटी जानने के लिए, बच्चे के धर्म को जानने के लिए थी। बट यहां पे देयर इज अ क्वेश्चन, यहां पे बच्चे के धर्म को जानने का क्वेश्चन नहीं है, बच्चे के अधिकारों को एनफोर्स कराने वाला क्वेश्चन है, बच्चे के अधिकार को एनफोर्स कराने वाला क्वेश्चन है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? बच्चों के अपना एनफोर्स कर, राइट्स को एनफोर्स कराने वाला क्वेश्चन है। इस वजह से यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना रूल निकाला कि एक बार अगर पापा ने अपना क्रिश्चियन होने के नाते हिंदू धर्म के तहत शादी रचाई है तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो फादर है उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म के अंदर। नाउ अगर पापा ने अपना धर्म हिंदुइज्म में कर लिया तो मां तो हिंदू थी, पापा भी हिंदू हो गए, दोनों के बच्चों का जन्म हुआ, दोनों में से बच्चे का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो अगर दोनों पापा हिंदू होते हैं, दोनों पापा मम्मी हिंदू होते हैं तो बच्चा कौन होगा, हिंदू होगा। अगर बच्चा हिंदू हो गया तो हिंदू धर्म के तहत जो बच्चा है वो अपने पापा से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी क्लेम करने का अधिकार रखता है। बात खत्म, सिंपल रूल है। क्लियर हो गया सबको, सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलिए 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 चलिए, एक और केस आता है। हालांकि ये केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता होना चाहिए। पेरुमल वर्सेस पुण्यस्वामी तो हर कोई याद करके जाता है, पेरुमल वर्सेस पुण्यस्वामी का केस तो हर कोई याद करके जाता है। बट एक केस हमारा ये भी आता है, मोहनदास वर्सेस देवासम बोर्ड का, मोहनदास वर्सेस देवासम बोर्ड का भी केस आता है। इसमें क्या हुआ था, आपने नाम सुना होगा अपना मोहनदास का, एक बहुत बड़े सिंगर थे, किसी ने नाम सुना है मोहनदास का? भाई इन्होंने हमारे हिंदू भगवानों के जो गीत वो होते हैं अपने भजन, बहुत सारे भजन गाए हैं इन्होंने। आप अगर YouTube पे Google पे भी सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मोहनदास ने ना बहुत सारे भजन गाए हैं, हिंदू भगवानों के भजन गाए हैं। हालांकि मोहनदास अपना दास से पता लग रहा होगा, दास से वो क्रिश्चियन है, ठीक है, दास से आपको पता ही लग रहा होगा, तो वो दास से अपना क्रिश्चियन है, धर्म से वो क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने हिंदू भगवानों के बहुत सारे भजन गाए हैं। जैसे सिंगर थे ये, क्या हुआ तो ये बहुत बड़े सिंगर थे, अपना भजन गाते रहे गाते रहे गाते रहे, तो इनका ना अपने अंदर से इनको भरोसा आ गया कि यार मेरे को हिंदुइज्म फॉलो करना है, मेरे को हिंदू धर्म का पालन करना है, मुझे हिंदू धर्म पसंद आने लगा है, मैं हिंदू बनना चाहता हूं, ठीक है, हर किसी का अपना मन है यार, क्या दिक्कत है। फिर मोहनदास ने अपना बता दिया यार कम्युनिटी में कि सुनो 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 मेरे कम्युनिटी वालों, क्रिश्चियन वालों, मैं जो है अपना हिंदू धर्म फॉलो करना चाहता हूं, मैं अपने आपको हिंदू के तौर पर कन्वर्ट करना चाहता हूं, बात खत्म। चलो जी ये हो गया। अब इस केस में क्या हुआ कि वो अपना हिंदू भगवानों की पूजा करने लगे, मतलब जो कस्टम फॉलो करना होता है वो पूरा हिंदुइज्म का वो पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया और अपने कम्युनिटी वालों को भी बता दिया कि देखो भाई मैं हिंदू बनने जा रहा हूं, बाय। समझ में आ गई मेरी बात, सब वो क्लियर हो गई? चलो अब यहां पे ना देखो, मैंने एक वर्ड पे गौर कर रहा हूं, मेरी एक चीज पे गौर करिएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, कि मैं ये माइक की तरह मैं क्यों बोल रहा हूं, रीजन है इसके पीछे का, रीजन है इसके पीछे का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मोहनदास ने ऑफिशियली डिक्लेरेशन दिया था, डिक्लेरेशन दिया था अपने कम्युनिटी वालों की, सुनो 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 मैं जो है अपना कन्वर्ट करने जा रहा हूं अपना हिंदुइज्म के अंदर, तो ये डिक्लेरेशन दे रहा है,
मेरे कहानी के बीच के जो मेरे एक्शंस होते हैं ना, उस पर थोड़ा गौर करा करो, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। चलिए, तो ऑल्दो जो सिंगर था उसने डिक्लेयर कर दिया कि आई एम बाय बर्थ क्रिश्चियन बट नाउ आई हैव फेथ इन हिंदुइज्म, मैं जन्म से तो क्रिश्चियन हूं बट मेरा जो भरोसा है और विश्वास है वो हिंदुइज्म के अंदर आ गया है, तो मैं अपना हिंदू धर्म फॉलो करना चाहता हूं। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। आप अगर हिंदू धर्म को अपना फॉलो करना चाहते हो तो करो, ठीक है। आप जो है अपना हिंदू धर्म को फॉलो करना चाहते हो तो करो। अब इस केस में जो देखो, पुरानी बातें हैं, ये केसेस ना पुराने हैं, इतना आसानी से ना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। जैसे पेरुमल वर्सेस पुन्नस्वामी के अंदर भी अपने चैलेंजेस आए थे, बट सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, बस एक बार रूलिंग अपनी दी है तो वो आपको पालन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था, फिर यहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने फिर इस चीज को अपोज करा, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस पर्टिकुलर चीज को अपोज करा। किस चीज के लिए अपोज करा? क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बोला कि भाई हम मोहनदास की ऐसे डिक्लेरेशन को और ऐसे कन्वर्जन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते यार, ये तो गलत बात है। अब इस केस में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपोज करते हुए एक सूट फाइल कर दिया मोहनदास के ऊपर एक सूट फाइल कर दिया। अब आप मेरे को, अगर आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, मेरा धर्म कुछ और है, मैं कोई और धर्म को अपना फॉलो करना चाहता हूं, या मेरा बिलीफ जुड़ चुका है, या मेरा मन कर रहा है, तो किसी को कोई अपोजिशन होगा? कोई अपोज करेगा क्या? बताओ, कोई मेरे पर सूट फाइल करेगा क्या? नहीं, क्योंकि अब हमारी मेंटालिटी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, हम चीजों को समझ चुके हैं, कानून को समझ चुके हैं और रूल्स को समझ चुके हैं, इस वजह से हमारी मेंटालिटी थोड़ा डेवलप हो चुकी है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे ये थोड़े पुराने केसेस हैं और ये लैंडमार्क केसेस है, याद रखना, पुराने इन द सेंस लैंडमार्क केसेस है, एग्जाम में यही लिखने होते हैं। कि तुम सोचा रहे पुराने केस है, मैं थोड़ी ना लिखूंगा ये केस, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखे ना तो भाई फिर फायदा नहीं है, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपोज करा इस बात को और सूट फाइल कर दिया। फिर क्या हुआ, अपना ऑनरेबल कोर्ट के पास अपना मामला गया। हाँ जी बताओ, क्या चाहते हो? तो ऐसे केस में ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, जो मोहनदास ने अपना कन्वर्जन करा है हिंदुइज्म के अंदर, वो परफेक्ट है, वो लीगल है, वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोनाफाइड तरीके से डिक्लेरेशन देता है, वो अपने आप में सफिशियंट होता है फॉर द कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के लिए। अगर कोई भी बोनाफाइड तरीके से डिक्लेरेशन देता है, वो अपने आप में सफिशियंट होता है कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म करने के लिए। कहने का मतलब ये, आपको कोई अखबार में एड डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर या कुछ भी एसडीएम के पास कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ गए मेरी बात। आपने अगर बोनाफाइड तरीके से डिक्लेरेशन दिया है, उसका प्रूफ भी होना चाहिए। देखो भाई, ये बोनाफाइड डिक्लेरेशन ना ऐसा नहीं है, मैं भी चार दीवारी में खड़ा हूं, मैं अकेला अपने आपको शीशे में देख के बोल रहा हूं, चलो भाई आज मैं हिंदू से क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, या आज मैं क्रिश्चियन से हिंदू बनना चाहता हूँ, कि मैंने बोनाफाइड डिक्लेरेशन दे दिया। अरे भैया, कोई प्रूफ नहीं है ना मेरे पे इस बात को प्रूफ करने का, समझ रहे हो? कोई विटनेस नहीं है ना, कोई एविडेंसेस नहीं है ना, समझ गए मेरी बात। चार दीवारी में तो आप कुछ भी करते हो यार, चार दीवारी में तुम कोई किसी भी तरह से ऐसे एक दूसरे को माला बना के शादी ना, चलो कानून की नजर में उसकी मान्यता थोड़ी ना होगी, बताओ, तुम खुद ही बताओ, कानून की नजर में उसकी कोई मान्यता होगी? नहीं होगी। आप अपना चार दीवारी में कैसे भी शादी करना चलो, ठीक है। जब आएगी आपके अधिकारों के मांगने की बात, जब आएगी कानून के सेक्शंस को एनफोर्स करने वाली बात, तब देखा जाएगा कि आपकी शादी वैलिड है या वॉइड है या वॉइडेबल है, या लीगल मैरिज है या फिर इल्लीगल है और पनिशेबल है नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब भी वर्ड यूज करा ना मैंने लीगल एंड पनिशेबल, ये बाद में बताया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? तो अभी एक बात हमारे को समझ में आई कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के लिए। पहली बात, अगर कोई शादी अपना कस्टम फॉलो करके अपना शादी रचा लेता है, तो ये प्रिज्यूम करा जा सकता है एविडेंस के बेसिस पे कि बंदे ने अपने आपका धर्म कन्वर्ट कर लिया, पहली बात। दूसरे केस में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई बोनाफाइड डिक्लेरेशन देता है, वो अपने आप में सफिशियंट होता है फॉर कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म। बोनाफाइड डिक्लेरेशन इज सफिशियंट फॉर द कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म, याद रखिएगा मेरी बात को, क्लियर है मेरी बात। चलिए, एक लास्ट कंसेप्ट आता है हमारा रीकन्वर्जन का, यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं पहले हिंदू था, मैंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, कन्वर्ट कर लिया अपने आपको, फिर मेरा क्रिश्चियन धर्म से मन नहीं बैठा मेरा, फिर मैंने अपने आपको रीकन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म के अंदर। कैसा पॉसिबल है? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, कि मैं पहले हिंदू था, फिर मैंने क्रिश्चियन बन गया, फिर मेरा क्रिश्चियन में मन नहीं लगा, फिर मैं अपना दोबारा वापसी आके अपना क्या हो गया, हिंदू हो गया। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये अपना पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल थिंग। एग्जाम में यही चीजें लिख के आनी होती है, कहीं आप सोचो
यही चीजें लिख के आनी है ऐसे। देखो क्या है, आपने केस का नाम लिखा मोहनदास वर्सेस अपना देवासम बोर्ड, देवासम बोर्ड अपना इनका क्रिश्चियन कम्युनिटी का अपना बोर्ड का नाम है, ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको, इन दिस केस ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट बोनाफाइड डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट फॉर कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म, दैट्स इट। इतनी बात लिखनी है आपको, ये कहानी मत लिखने में लग जाना। ये तो कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूं, लिखी हुई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ यार ये केस के अंदर कोर्ट के सामने क्या फैक्ट इन इशू आया था और कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था, तो उससे हमारा थोड़ा कनेक्शन बनता है केस को पढ़ते दौरान, हमें चीजें समझ में आती है। आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, मैं जब कोई केस एक्सप्लेन करता हूं ना, मैं कहानी के रूप में आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि आपके दिमाग में ना वो केस बैठ जाता है, ठीक है, उससे आपके दिमाग में ना केस बैठ जाता है याद करने में, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। एक ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हालांकि एग्जाम में मेरे हिसाब से ना मैंने बहुत कम एग्जाम में देखा है रीकन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आया हो, मैंने बहुत कम एग्जाम में देखा है कि रीकन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आया हो, बट स्टिल आया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक आधा केस ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यही लिख के आना, यही पढ़ के आना, बहुत सिंपल सा है, कहानी आपको दो मिनट में समझ में आ जाएगी। राजगोपाल वर्सेज अरुण मुगम, और ये ना ये एमसीक्यूज में आया हुआ है केस, बहुत बार याद रखना मेरी बात। राजगोपाल वर्सेज अरुण मुगम, अगर आप थोड़ा सा पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करते हो, कोई बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। राजगोपाल वर्सेज अरुण मुगम, ये केस का मतलब क्या है, इस केस के अंदर क्या हुआ था, देखो एक बंदा था अपना शेड्यूल कास्ट का था, ये बताइए शेड्यूल ट्राइब्स का, हाँ शेड्यूल कास्ट का बंदा था, एक बंदा था शेड्यूल कास्ट का, हालांकि वो हिंदू भी था, ठीक है, और वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था, ठीक है। चलो जी, फिर उस व्यक्ति ने अपने आप को अपना थोड़ा वो शेड्यूल कास्ट का मतलब थोड़ा लोअर कम्युनिटी से वो अपने आप को मानता था, ऐसा जो है ये केस के अंदर बात बता रखी है कि भाई मेरे को जो है लोग अपना एससी कैटेगरी में मैं हूं, कि बहुत बढ़िया कम्युनिटी है, ठीक है, बट लोग मेरे को उतना तवज्जो नहीं देते, तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं जो है ना अपने धर्म को क्या कर लेता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं, क्रिश्चियन धर्म में आ जाता हूं, ठीक है। चलो, इसने वही बोनाफाइड डिक्लेरेशन दे दिया कि यहां पे विद एविडेंस एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, अपना विद एविडेंस एंड डिक्लेरेशन के तौर पे बंदे ने अपना क्या कर दिया, अपना धर्म हिंदू से अपना क्या कर दिया, क्रिश्चियन धर्म में अपना अपना कन्वर्ट कर लिया। सबको ये कहानी सुनने आ गई, ठीक है। एक बंदा था राजगोपाल, वो बिलोंग करता था शेड्यूल कास्ट से, उस बंदे ने अडॉप्ट कर लिया अपना क्रिश्चियन धर्म और कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसने कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए, सबको समझ में आ रही है ना। तो एक बंदा था अपना जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था, और जो शेड्यूल कास्ट से अपना बिलोंग करता था, एंड उसने अपना क्रिश्चियन धर्म अपना अडॉप्ट करा, और उसने डिक्लेरेशन भी दिया, डिक्लेरेशन दर्शन, उसके पास एविडेंस थे कि हाँ भाई साहब मैं हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म में अपना कन्वर्ट हो रहा हूं। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है, क्लियर हो गई ना बात यहां तक। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और वो बताता हूं, एक एक्साइटिंग बात, मैं आपको और एक्साइटिंग बात बताता हूं। फिर क्या हुआ, बंदे ने अपनी शादी करी, वो बंदे ने जिसने अपना क्रिश्चियन धर्म में अपना कन्वर्ट कर लिया था, उसने अपनी शादी करी, शादी जब करने के बाद उसने हिंदू सेरेमनीज के तौर पे शादी करी, उसने हिंदू सेरेमनीज के तौर पे शादी करी, बच्चे का जब जन्म हुआ, बच्चे का जन्म अपना हुआ, तो जब जैसे वो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको मतलब नहलाते हैं, फिर उसके बच्चे के बाल कटवाते हैं, मेरे को वो नाम याद नहीं है कस्टम्स के, ठीक है, तो हरिद्वार में जाके या कहीं पे भी जो आपके जो मंदिर पड़ता है, तो ये सारे कस्टम फॉलो करने पड़ते हैं, वही कस्टम इस व्यक्ति ने भी फॉलो करे। बच्चे को जब स्कूल में एडमिट कराया गया, एडमिशन करवाया गया, तो उसमें उस बच्चे का नाम भी हिंदू धर्म से अपना लिखवाया गया, ठीक है, हाँ मुंडन, हाँ मुंडन होता है जो, ठीक है, तो ऐसे केस में उस बच्चे का नाम भी हिंदू रखा और धर्म भी हिंदू लिखवाया, अपना भी नाम हिंदू धर्म से लिखवाया, वगैरह वगैरह। चलो जी, ये भी बात समझ में आती है। फिर क्या हुआ, अब मुद्दे की बात आती है, सबको कहानी समझ में आ गई ना यहां तक। एक बंदा था जो कि हिंदू था एससी कैटेगरी का, उसने अपने आपको कन्वर्ट कर लिया था क्रिश्चियन धर्म से, फिर शादी रचाई तो वो हिंदू धर्म से रचाई, बच्चे का जन्म हुआ तो वो जो रिचुअल्स होते हैं वो हिंदू धर्म वाले पालन करें, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया तो हिंदू धर्म का करवाया, हिंदू धर्म लिखवाया, सब कुछ यही करवाया। फिर क्या दिक्कत आई यार, फिर क्या दिक्कत आई, देखो उसके जिस एरिया में वो रहता था उस एरिया में ना पार्लियामेंट ने इलेक्शन की सीट निकाली, पार्लियामेंट ने एमपी की सीट निकाली जो कि शेड्यूल कास्ट वालों के लिए ही निकाली थी। कहने का मतलब यह है कि इस एरिया में से एमपी जो है ना एससी कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी का अपना चुना जाएगा। तो वो जो बड़ा था जो अपना क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करके बैठा था वो कहने लगा, अरे यार यहां पे तो एससी कैटेगरी को एमपी के नॉमिनेशंस भरे जा रहे हैं, एमपी जो है वो चूज करा जाएगा, एससी कैटेगरी का चूज करा जाएगा, यार मैं भी फॉर्म भर देता हूं, ठीक है।
तो वो बंदे ने अपना जाता भागा भागा गया तो अपना फॉर्म भर दिया। अब इस केस में जो बाकी अदर कैंडिडेट से जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे भाई वो अपोज करेंगे नहीं करेंगे। पहले तो तूने चिल्ला के माइक में बोला था कि भाइयों मैं अपना क्रिश्चियन मैं अपना हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियन धर्म फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अब तू क्रिश्चियन धर्म में अपना फॉलो करने लग गया, अब जब तुमने एससी सीट देखी तो भागा भागा एससी बन के आ गया, एससी बन के आ गया भाई ये थोड़ी ना है। सब लोगों ने अपोज करा, ये गया अपना सुप्रीम कोर्ट में मामला कि भाई सभी लोगों ने बोला कि भाई तू क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता है तो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, समझ में आ गया मेरा। अब मामला गया कोर्ट में, तो मामला गया कोर्ट में, जो वो बंदा था उसने अपने प्रूफ दिखाए कि जस साहब ये देखिए मैंने अपनी शादी जो है ना वो हिंदू धर्म से अपनाई है, ठीक है, और मैंने जो बच्चे का एडमिशन कराया है ना वो हिंदू धर्म का करवाया है, और जो बच्चा मेरा पैदा हुआ था ना तो सारे कष्ट मैंने हिंदू धर्म के पालन करे हैं, ठीक है जस साहब प्लीज मैं तो अब हिंदू माना जाऊंगा ना। मैं पेरुमल वर्सेस पुण्यस्वामी भी हुआ था, पेरुमल वर्सेस पुण्यस्वामी का जनरल रूल नहीं था, मैंने आपको पहले भी बोला था, एविडेंसेस के बेस पे आपको कोर्ट के सामने अपने फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ भाई ये बात में दम है ये बात में दम नहीं है। तो फिर ऐसे केस में क्या हुआ, ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट द सफिशिएंट प्रूफ। कोर्ट ने बोला कि भाई आपका शादी रचाना, बच्चे का एडमिशन कराना, बच्चे के जन्म हो जाने के बाद मुंडन करवाना और भी जो छोटे मोटे अपने कस्टम्स हैं, ये अपने आप में शो नहीं करता है कि आप जो हिंदू धर्म के अंदर रिकन्वर्ट हो चुके हो। ये चीजें शो नहीं होती हैं कि आप जो है हिंदू धर्म के अंदर रिकन्वर्ट हो चुके हो। आपके पास एक वैलिड एविडेंस किस चीज का है जो ये हिंदू धर्म की कम्युनिटी लेकर आई है, आपने बोनाफाइड तरीके से डिक्लेरेशन दिया था कि मैं नगाड़े बजाते हुए भी दिया था बंदे ने, मतलब ये ढोल वगैरह बजाते हुए सब में डिक्लेयर करा था कि मैं जो है क्रिश्चियन हो चुका हूं, लेकिन जब रिकन्वर्जन की बारी आई तब कुछ हुआ ही नहीं, तब कुछ करा ही नहीं, ना कोई बोनाफाइड डिक्लेरेशन दिया ना लोगों को किसी को बताया, बस अपना चुपचाप अपनी कम्युनिटी तो क्रिश्चियन ज्वाइन कर ली, लेकिन वो जो तौर तरीके होते हैं वो दूसरे भगवानों को पूजना या अपना चीजों को अपना डील करना धार्मिक तौर पे वो अपना कर रहा था, तो जो कि गलत था। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपका केवल और केवल बोनाफाइड डिक्लेरेशन क्रिश्चियनिटी का है, क्या हिंदुइज्म का आपके बोनाफाइड डिक्लेरेशन है क्या नहीं है, तो इसीलिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है फॉर रिकन्वर्जन एज हिंदुइज्म के लिए तौर पे, तो इसीलिए आपके पास जो वैलिड और सफिशिएंट प्रूफ है वो कन्वर्जन टू द क्रिश्चियनिटी का है, ठीक है, और आप जो है केवल और केवल अपना हिंदुइज्म के लिए रिकन्वर्जन के बारे में जो बात कर रहे हो वो प्योरली एंड प्योरली किस चीज का है, फ्रॉड के लिए है, बेनिफिट पाने के लिए है, शेड्यूल कास्ट की एमपी की सीट का नॉमिनेशन भरने के लिए है, जो कि गलत है, हम ये होने नहीं देंगे। क्लियर है मेरी बात। एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया राजगोपाल वर्सेस अरुण मुगम के केस में कि पहले एक बार कन्वर्ट करने के बाद बोनाफाइड डिक्लेरेशन होने के बाद आपको बोनाफाइड डिक्लेरेशन दोबारा देना पड़ेगा रिकन्वर्जन का एज एविडेंस के तौर पे, तभी एक तरह से माना जाएगा कि हाँ आपने जो है अपना क्रिश्चियनिटी के अंदर धर्म को पालन किया है। सबको समझ में आ गई बात, सभी लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जो चीज आपको कराने वाला हूं उसके नोट्स अभी शाम तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो चीज मैं आपको कराने वाला हूं उसके नोट्स आपको शाम तक मिल जाएंगे, अभी अपलोड नहीं हो पाए, ठीक है, अभी अपलोड नहीं हो पाए। सो लाइक कन्वर्टिंग टू इस्लाम टू हैव मोर देन वन वाइफ, नहीं भाई वो भी एक फ्रॉड तरीका होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये तो बेसिक आपको मैं केस लॉज की कहानी बता रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे लॉजिकली क्लियर होता रहेगा, फिर एक सीढ़ी आगे चलेंगे फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने दो शादियां कर ली हैं हिंदू होने के नाते, तो हिंदू धर्म हमारे को दो शादी करने का मान्यता देता है क्या, नहीं देता, और मैं भागा भागा क्या मैंने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम के अंदर। अब ऐसे केस में क्या मेरे को इस्लाम में कन्वर्ट करने का अधिकार मौका मतलब मान्यता मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई, ये तो प्योरली फ्रॉड है, ये तो प्योरली धोखा देने वाली बात दे रहा हूं, अपने आपको बचाने की बात कर रहा हूं मैं, सीधी सी बात है कि भाई दो शादियां जब हिंदू धर्म फॉलो नहीं करता चलो इस्लाम में कर लेते हैं, इस्लाम में तो चार शादियां अलाउड है, चलो वहां पे मैं अपना शादी रचा के अपना लीगल तरीके से जीवन चला सकूं, ये तो गलत होगा, सीधी सी बात है, इस्लाम वाले भगा देंगे मुझे एकदम, समझ रहे हो ना, समझ में आ गया आपको लॉजिक, ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो मैं आपको करा रहा हूं वो अभी नोट्स अवेलेबल आपको पोर्टल पे नहीं होंगे, शाम तक हो जाएंगे, ठीक है, चलो अभी ध्यान से समझना। हमने क्या क्या पढ़ा, हिंदू कौन होते हैं, पहले वो लोग जिसके माँ बाप हिंदू हैं दोनों वो हिंदू, दूसरे वो लोग जिसके एक हिंदू है दूसरा नॉन हिंदू है ब्रॉटअप,
तीसरे वो लोग जो अपना हिंदू धर्म मुस्लिम क्रिश्चियन जीव पारसी को फॉलो नहीं करते, चौथे वो लोग जो कन्वर्ट करके हिंदू बनते हो, पांचवे वो लोग जो रिकन्वर्ट करके हिंदू बनते हो। समझ में आ गया ना, सबको याद हो गई, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए भाई। अगर किसी को दिक्कत हो रही है ना तो मेरे पढ़ाने में कमी मेरे को लगेगी, याद रखना मेरे पढ़ाने में कमी लगेगी। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, मेरे को बस आठ दस आठ सात आठ दिन दे दो, सात आठ दिन देने के बाद में मैं इतना आपको स्ट्रॉन्ग कर, सात आठ दिन नहीं नौ दस दिन दे दो, मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपने पहले कभी फैमिली लॉ को इतना डीपली कभी समझा ही नहीं होगा। याद रखना मेरी बात, आपको एक तरीके से अटैचमेंट होने लगेगा फैमिली लॉ के साथ में। अगर किसी दिन आपने फैमिली लॉ नहीं पढ़ा होगा ना, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा यार, आज मैंने जीवन मेरा अधूरा अधूरा है, आज का दिन मेरा अधूरा अधूरा है, ऐसा मेरे साथ होता था, ठीक है, आपके साथ भी होने लगेगा, याद रखना। चलो एक और चीज होती है, हु इज हिंदू के क्वेश्चन के अंदर, अभी बेरक नहीं पढ़ा रहा मैं जस्ट आई एम गिविंग यू ओवरव्यू कि हाँ बेरक के अंदर ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी, याद रखना। बेरक के अंदर सेक्शन वगैरह तो याद ही करने हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हो जाएंगे। अंकित तिवारी इसके बारे में जब हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे ना उसमें बता देंगे, टेंशन ना ले हो, इतनी टेंशन ना ले हो यार, ठीक है, इतनी टेंशन ना ले हो। चलो हमने क्या कहा है, हाँ, हु इज हिंदू का एक अलग पॉइंट भी होता है जिसमें मैं स्पेलिंग आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, वीर शिवाय होता है, वीर शिवाय। ये मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है, और आप किसी भी टीचर के पास जाओगे ना वो इतना डिटेल में आपको बताएंगे नहीं। वीर शिवाय, ठीक है, वीर शिवाय और अपना लिंगायत, वीर शिवाय और अपना लिंगायत, ठीक है, वीर शिवाय और लिंगायत, ये दो शब्दों का नाम कहीं आपने सुना है, ये दो शब्दों का नाम आप लोगों ने कहीं पे सुना है क्या, ये दो शब्दों का नाम आपने कहीं पे सुना है क्या, वीर शिवाय और लिंगायत। ये अगर आप बेरक खोलोगे ना, ठीक है, तो बेरक के अंदर आपको हु इज हिंदू का जो क्वेश्चन आएगा अपना सेक्शन टू और थ्री में, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब वीर शिवाय लिंगायत अगर मैं बोलूं, ठीक है, वो कौन होते हैं, देखो ये लॉर्ड शिवा को पूजने वाले लोग होते हैं, जो लोग लॉर्ड शिवा शिव भगवान जी को अपना पूजते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी मान्यता रखते हैं और ठीक है उनकी पूजा करते हैं, तो वो सारे लोग अपने कौन माने जाते हैं, वो सारे लोग अपने कौन माने जाते हैं, वो अपने वीर शिवाय माने जाते हैं। लिंगायत कौन होते हैं, ये भी लॉर्ड शिवा के पूजने वाले लोग होते हैं, ये भी अपने लॉर्ड शिवा को पूजने वाले लोग होते हैं। समझ रहे मेरी बात, जो लोग अपना शिव भगवान के ऊपर अपनी मान्यता रखते हैं वो वीर शिवाय भी होते हैं, वो लिंगायत भी होते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अपना वीर शिवाय होते हैं ना वो अपना कभी कभी नॉनवेज भी खा लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं वीर शिवाय जो अपना वेजिटेरियन भी होते हैं, प्योर वेज भी होते हैं। सबको समझ में आ रही है मेरी बात, और अगर मैं बात एक आपको क्लियर बात बताऊं तो इनके ना अपने मठ बने होते हैं, मठ, और लिंगायत के अपने मूर्ति पूजक होते हैं, तो शिवजी भगवान की मूर्ति होती है ना, मूर्ति शिवलिंग, सॉरी शिवलिंग, मैंने ना इसको आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट में चीजें बना के रखी हुई हैं, बस इसके नोट्स अपलोड करना बाकी थे। लिंगायत वो लोग होते हैं जो अपने शिव शंकर भगवान को पूजते हैं और शिवलिंग को पूजते हैं, वो होते हैं हमारे लिंगायत, और अपना वीर शिवाय भी वही लोग होते हैं जो अपने शंकर भगवान जी को पूजते हैं, और ये अपने एक तरीके से मूर्ति पूजक होते हैं। और वीर शिवाय जो अपने लोग होते हैं ना, ये पूरे इंडिया में नहीं फैले हुए, ये अपना कुछ कुछ जगह पे फैले हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कर्नाटका के अंदर ये लोग मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये लोग मिलेंगे, केरला में आपको ये लोग मिलेंगे, वीर शिवाय वाले जो अपने लोग होते हैं वो आपको कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, केरला में ये देखने को मिलते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, बेरक के अंदर इतना डिटेल में आपको बताया हुआ नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मतलब वही है। और जो लिंगायत होते हैं ना, इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, अगर आपको ऐसी समझना हो ओरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं बसावना, बी ए एस ए, कॉपी में लिखना चाहो लिख सकते हो, बी ए एस ए वी ए डबल एन ए, बी ए एस ए वी ए
NNA, मतलब बसावना ना इनके गुरु का नाम है। हालांकि लॉर्ड शिवा इनके भगवान होते हैं, बट लिंगायत वालों के ना गुरु होते हैं, उनका नाम है बसावना, BASAVANA। ठीक है, तो ये डिफरेंस उनमें आ गया। और इनके अपने मठ बने होते हैं, इनके अपने मठ बने होते हैं पूजा वगैरह करने के। तो इनके मठ ज्यादातर ना काशी में मिलेंगे आपको, रामेश्वरम में मिलेंगे, उज्जैन में मिलेंगे, और एक जगह है शीर्षिला, एक जगह है शीर्षिला, वहां पे भी वीर शिवाय के जो अपने मठ होते हैं वो आपको मिलेंगे। कौन कौन सी जगह मैंने बताई, काशी में, रामेश्वरम में, उज्जैन में और शीर्षिला के अंदर, ये सारी जगह पे वीर शिवाय वाले लोगों के अपने क्या मिलते हैं, अपना मठ मिलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो वीर शिवाय कौन से लोग होते हैं, जो अपना मूर्ति को पूछने वाले, अपने लॉर्ड शिवा की मूर्ति को पूछने वाले जो फॉलोअर्स होते हैं। लिंगायत कौन होते हैं, जो शिवलिंग को पूजने वाले अपने लॉर्ड शिवा जी को, अपने भगवान को पूजते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। और ये ज्यादातर अपने अपना केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, और ये मठ के अंदर अपना, इनके मठ भी मिलते हैं रामेश्वर में, उज्जैन में, शीर्षिला में और अपना काशी के अंदर, और ये ऑल ओवर इंडिया आपको ज्यादातर जगह पे मिल जाते हैं लिंगायत। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? जो शिवलिंग को पूजते हैं, हम भी पूजते हैं भाई शिवलिंग को, तो सभी लोग पूजते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हु इज हिंदू के अंदर, वीर शिवाय वाले लोग भी, फॉलोअर्स भी अपना हिंदू माने जाएंगे, लिंगायत वाले लोग भी अपना क्या माने जाएंगे, हिंदू माने जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात सभी लोगों को? सभी लोगों को हिंदू क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं, एक और बात हमारे को समझनी है। आप अगर विधेयक खोलोगे वहां पर एक और चीज लिखी हुई है, ब्राह्मो समाज। ठीक है, ब्राह्मो समाज और प्रार्थना समाज, ठीक है, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, बेरक किस किस के पास नहीं है एक बारी बता दो, क्लास के अंदर बेरक लेके बैठा करो, PRARTHANA। ठीक है, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। क्लास के अंदर बेरक लेके बैठोगे ना तो आपको फायदा बहुत रहता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? क्लास में बेरक लेके बैठने से आपको फायदा बहुत रहेगा। तो ये तीन कैटेगरी मैंने आपको लिख के बताई है, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। जो लोग ब्राह्मो समाज का पालन करते हैं, प्रार्थना समाज का फॉलो करते हैं और अपना आर्य समाज को फॉलो करते हैं, वो लोग भी हमारे हिंदू की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये मैं नहीं कहता, कानून कहता है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये कानून कहता है। ठीक है, तो ये लोग भी अपने हिंदू माने जाते हैं। लेकिन 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 थोड़ा सा हमारे को तो बेरक में लिखा है कि भाई जो लोग लिंगायत को फॉलो करते हैं, वीर शिवाय को फॉलो करते हैं, ब्राह्मो समाज को फॉलो करते हैं, प्रार्थना समाज को फॉलो करते हैं, आर्य समाज को फॉलो करते हैं, वो सभी लोग अपने क्या माने जाएंगे, हिंदू माने जाएंगे। वो सभी लोग अपने क्या माने जाएंगे, हिंदू माने जाएंगे। बस इतना बोल के खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप एक बार बताओ, अगर मैं आपको बोलता कि अच्छा अच्छा बताओ वीर शिवाय लिंगायत को याद करो, आपको याद होता? नहीं होता। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, तो नाम एक बार मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि हाँ, लिंगायत वो लोग हैं जो शिवलिंग को पूजते हैं और अपना वीर शिवाय वो लोग हैं जो मूर्ति पूजक होते हैं। थोड़ा संतर हो गया, नाम याद हो गया आपके दिमाग में। ऐसे ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के बारे में कोई मुझसे पूछ लेगा, मेरे को उससे कुछ बताना तो पड़ेगा ना कि एक्चुअली ये अपना तीनों कैटेगरी में क्या क्या बातें हैं। हाँ, है ना? तो ये किसी को पता है कुछ भी इन तीनों समाज के बारे में? किसी को कुछ पता है? कोई मुझे बताना चाहे कि सर हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूं या जानती हूं। कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो भाई, इसको प्रार्थना समाज को किसने चालू करा था? प्रार्थना समाज को चालू करा था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ब्राह्मो समाज का अपना जो चलन है वो शुरू करा था, कम्युनिटी जो है वो शुरू करा था। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ, अमित भाई जो भी पता है आपको बस वही बता दो।
बाकी लोगों को तो भाई पता ही नहीं हम कौन सी दुनिया में है। बाकी लोग चाहते हैं कि सर हम तो कोई जवाब नहीं देंगे, हम कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस हम तो आ गए। कोई बात नहीं, आ गए आप लोग यार, आपकी मर्जी है। फ्री क्लासेस के लिए इसलिए मैं दरवाजे सबके लिए खोल देता हूँ। मैं 3 फ्री लाइव क्लास बस इसलिए जब ही देता हूँ कि जो अपना सिंसियर बच्चे होंगे केवल वही फिर अपना ज्वाइन हो जाएंगे, और बाकी लोगों से अपना हम डील बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को ना डेकोरम बनाना पड़ता है क्लास के अंदर, तो हमारे को पढ़ाई उन्हीं को करवानी, काम निकालने के अपना लगन रखते हैं जो सिंसियर है, जो नीडी है, ठीक है। तो बता क्या होता है, आधे से ज्यादा दुनिया बोलेगी सर हमारे को भी पढ़ना है, हमारे को भी पढ़ना है। मात्र ना 5 दिन के अंदर अंदर उनकी हवा निकल जाती है। क्यों? दम होना चाहिए ना भाई पढ़ाई करने के लिए भी। ऐसा थोड़ी ना हर कोई पढ़ाई कर सकता है, हर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। मन जो है ना 2 मिनट में बदल जाता है। आज मन करेगा आपको पढ़ाई करने का, कल देख लेना आपका मन कहेगा नहीं नहीं यार चल छोड़ना, एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी कहां से पढ़ाई करनी है। वही मेन गेम होती है, वही पर ही आपको स्टिक रहना पड़ता है। उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, उसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी, कि आप अपने कैरियर के लिए कितना ज्यादा फोकस हो, आप अपना एग्जाम निकालने के लिए कितना ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, आपको कितना ज्यादा पता है कि कमार में कितनी कमी है, आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हो। अगर आप आज काम नहीं कर रहे ना भाई, याद रखना पीछे जा रहे हो। आपको पता नहीं है डेली बेसिस पे लोग रात रात भर बैठ के अपने ऊपर अपने आप को बेहतर करने में, अपने आप को पेपर इंप्रूव करने में, एग्जाम निकालने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप आज काम नहीं कर रहे, आज बस ऐसे ही लापरवाही कर रहे हो, चल छोड़ फ्री क्लास तो है या फिर ऐसे ही तो है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चल आ जाते हैं क्लास में, टीचर बोल रहा है भाड़ में जाने दे, टीचर को बोलते रहने दे, हमें परवाह नहीं है, कोई बात नहीं। बट मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जितना जल्दी आप अपनी आंखें खोल सको ना उतना जल्दी आंखें खोलना। लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, कोई सिखाने वाला नहीं है जीवन में, याद रखना मेरी बात इतना डिटेल के अंदर। वो तो मेरा भी अपना स्टार्टिंग फेज है, तो मैं आपको इतनी ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करा पा रहा हूं। आने वाले टाइम में और भी कामों में बिजी हो जाऊंगा, तो जो आज आपको गाइडेंस मिल रही है वो कल नहीं मिलेगी, याद रखना मेरी बात। टाइम बहुत कम रहता है लाइफ में, ठीक है, टाइम बहुत कम है लाइफ में, जितना टाइम के साथ आपको भागना पड़ेगा। टाइम निकल गया तो निकल गया, फिर याद रखना एज लिमिट एक बार निकल जाती है ना, पता भी नहीं लगेगा कब एज लिमिट निकल गई। मान लेते 2-3 साल बाद के अंदर कोई पेपर आया ही नहीं और आपके 2-3 साल की लिमिट बची थी एज लिमिट की, फिर क्या करोगे बताओ। इसलिए कह रहा हूं जितना जल्दी हो सके उतना जाग जाओ। ये नहीं आएगा दोबारा टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा लाइफ में। बस मैं आपको यही एक अपना गाइडेंस के तौर पे दे पाऊंगा। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बार बार, मैं तो टॉर्चर करता हूं ऐसे, ठीक है, मैं टॉर्चर करता हूं अपने स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि यार वो पढ़ाई करेंगे ना, उसमें उन्हीं का ही फायदा है, मेरा फायदा क्या है इसमें? मेरा फायदा बस ये है कि हाँ भाई मैंने उनको अच्छा पढ़ाया, उनके मन में एक मैंने अपनी जगह बना ली कि हाँ यार इस टीचर ने मेरे कंसेप्ट सारे क्लियर करवा दिए, मेरा फायदा बस इतना सा है। क्योंकि एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा ना भाई, आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी सुधर जाएगी, आपको पता नहीं है कि भाई नाम आ गया ना आपके आगे, टैग जज का सब कुछ वसूल है, सब कुछ। जीवन में जितनी परेशानियां हैं, कोई बीमार है, आप बीमार हो, कुछ भी हो, सारी परेशानियां वसूल हैं, सारी। पर उस चीज के लिए आपको आज भले ही त्याग करना पड़े किसी चीज का, सोने का त्याग करना पड़े, घूमने का, शादी ब्याह में जाने का, दोस्त यारों से मिलने का, लोग खुद कॉल करेंगे आपको कि हाँ भाई यार आप मेरे से 2-3 इतने महीने हो गए मिले नहीं, भाई बात नहीं करी यार, खुद कॉल करेंगे वो, याद रखना मेरी बात। बस फर्क इतना है आज कर लो या कल अपना देखते रहो लोगों को, ठीक है, कि काश मैं भी कर लेता। चलो मुद्दे पे आते, तो ब्राह्म समाज राजा राम मोहन रॉय 1828 के अंदर अपना इन्होंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी को अपना शुरू करा था, ठीक है। और इन्होंने ना एक नाम, जब ये ब्राह्म समाज नहीं था पहले नाम, इनका नाम था ब्रह्म सभा, ठीक है, ब्रह्म सभा। ये जो जानकारी है ना कोई भी बुक में नहीं मिलेगी आपको इतने सीधे शब्दों में, आपके कम से कम बाल सफेद जब तक नहीं होंगे ना तब तक ये चीज आपको नहीं मिलेंगी, 3-4 बुक पढ़नी पड़ती है ये सब चीजें पढ़ने निकालने के लिए, समझ गए मेरी बात। बिल्कुल सुनील जी ने बिल्कुल सही बात बोली। चलो ब्रह्म सभा के नाम से इन्होंने कैटेगरी अपना शुरू करी, ठीक है, और इनका एक मोटिव था, मोटिव के तौर पर लिखना चाहो लिख सकते हो, इनका एक मोटिव था ये अपना समाज चालू करने के लिए। जैसे कि मोटो होता है ना, मोटो, कि अगर मैं कम्युनिटी को चालू कर रहा हूं तो उसका एक मोटो होता है, मोटो किस वजह से मैं चालू कर रहा हूं, क्या मैं लेकर आऊंगा चेंज, ठीक है। तो मोटो ये होता है टू रिमूव ऑल एविल्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो ये ऑब्जेक्ट था इनका,
ये ब्राह्मो समाज अपना बनाने का अपना इनका क्या क्या था, ऑब्जेक्ट था, टू रिमूव ऑल एविल्स फ्रॉम सोसाइटी, टू रिमूव ऑल एविल्स फ्रॉम सोसाइटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। फिर क्या आया हमारा प्रार्थना समाज, फिर क्या है हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है ये किसके द्वारा चालू करा गया था, डॉक्टर आत्माराम पांडुराम, डॉक्टर आत्माराम पांडुराम के द्वारा अपना 1867 में प्रार्थना समाज शुरू हुआ, ठीक है, और बॉम्बे से शुरू करा था इन्होंने। इनका ऑब्जेक्ट क्या था, सोशल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, इनको ऑब्जेक्ट क्या था, सोशल रिफॉर्म्स लेके आने हैं भाई हमारे को, महिलाओं को राइट्स उनके मिले, ठीक है, इसके लिए मेन ये चालू करा गया था, सोशल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। यही बेसिक बातें आपको याद रखनी है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, जो डिटेल में चीज पढ़नी है वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई जाएगी, जो ऊपर ऊपर से आपको चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, आप डल की तरह ना बैठे रहे, आपसे कोई पूछ ले अच्छा बेटा तुमने तो हिंदू लॉ पढ़ा होगा, अच्छा बेटा बताना हिंदू लॉ में ना एक वर्ड लिखा हुआ है ब्राह्मो समाज, इसे तुम कुछ जानते हो, अच्छा बेटा तुम बताना प्रार्थना समाज से तुमको जानते हो, आर्य समाज से तुम जानते हो, आप बोलोगे नहीं तो आपको सीधा क्वेश्चन आएगा बेटा फिर तुमने पढ़ाई क्या करी, तुम किस बात की जुडिशरी कर रहे हो, जब तुम बस रट्टू तोते वाली बात कर रहे हो कि बेरेक में ये शब्द लिखा हुआ है तुमने रट लिया बस, अब उसका मतलब क्या है, क्या एसेंस है, किसने चालू करा, इसके बारे में पता नहीं है बेटा तुम्हें, तो इसीलिए, ठीक है, ये अपना चालू करा गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ये अपना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 के अंदर शुरू करा गया था, 1875 के अंदर ये अपना शुरू करा गया था, और वही इसका ऑब्जेक्ट क्या था, टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज ऑफ वेदास, टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज ऑफ वेदास। तो ये अपना इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो वेदों के अंदर बातें लिखी हुई है ना यार, उसको बातों को हमारे को अपने लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो मेरे हिसाब से जो आपको चीजें याद रखनी है हु इज हिंदू के लिए, अभी करंटली के बेसिस पे मैंने आपको चीजें लटवा दी हैं, बाकी अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी ये बस सुना बस हो गया हिंदू लॉ, हिंदू लॉ करने में भी अपना एक टैलेंट चाहिए, समझ मेरी बात, पूरा हिंदू लॉ करने में पूरा कह रहा हूं मैं, जो वो हिंदू मेरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कानून पास करे थे, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए भी अपना टैलेंट चाहिए, ठीक है, कि कैसे ट्रिक होती है, क्या चीजें याद रखनी है, कहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, और वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ में आ गई ना मेरी बात, बिल्कुल अंकित जी देंगे, वो अपना टाइम आने पे देंगे ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, बिल्कुल सुनील जी आपने बिल्कुल सही बात बोली, चलिए हम मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर। अरे आधे से ज्यादा बच्चे ना यहाँ पे लाइव क्लास में इसलिए नहीं आ पाते ना क्योंकि वो सुबह लाइव क्लास होती है, सुबह ज्यादातर लोगों का कोर्ट होते हैं, जॉब होती है, इस वजह से, बाकी ये रिकॉर्डेड में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो क्लास वन है, ठीक है, क्लास एंड टू है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, जो बच्चे दोबारा देखना चाहते हैं, जो बच्चों की मिस हो गई थी तो इनको जो है अपनी क्लास वन एंड क्लास टू यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, और क्लास थ्री भी होगी कल, वो भी आपको मिल जाएगी, तो तीन क्लासेस आपको तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो हु इज हिंदू, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा अपने आप को कॉन्फिडेंस समझते हुए आंसर दोगे, पहली बात पहले वो लोग दोनों माँ बाप हिंदू बच्चा हिंदू, दूसरे वो लोग एक पेरेंट हिंदू दूसरा नॉन हिंदू ब्रॉटअप, तीसरे वो लोग जो मुस्लिम उनको धर्म नहीं फॉलो करते, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यू नहीं है, पारसी नहीं है, वो हिंदू होंगे, चौथे वो लोग जो कन्वर्जन करके आए हो, पांचवे वो लोग जो अपने रिकन्वर्जन करके आए हो, छठे वो लोग जो वीर शिवाय या लिंगायत धर्म को फॉलो करते हैं, सातवें वो लोग जो ब्राह्मण समाज आर्य प्रार्थना समाज आर्य समाज के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ है ना, आगे भी पढ़ाई जाएगी चीज, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा हमारा सारी चीजों का, मेरे हिसाब से आपको चीजें अब याद हो गई होंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको आज की क्लास के अंदर सेकंड हमारी फ्री हिंदू लॉ की जो क्लास हुई है उसमें मजा आया होगा, ठीक है जी, हम मिलते हैं। हिंदू लॉ की कोई बुक नहीं है सुनील जी, मैं सच कोई हिंदू लॉ की बुक नहीं पढ़ता, मेरे पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, मैं मेनली भी बेरेक नहीं है मेरे पास अवेलेबल, वो भी बेरेक जब अवेलेबल होगी मैं आपको बता दूंगा, बेस्ट बुक अगर आपको लेनी होगी ना ऑथर की तो मैं इसका नाम आपको बता दूंगा, ग्रुप पे टेक्स्ट करवा दूंगा मैं, ठीक है जी, चलिए फिर हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑल ऑफ यू, और रिवाइज करते रहो चीजों को, जितनी ज्यादा रिविजन उससे बेहतर हमारा कंसेप्ट होगा और इतना कॉम्पिटिशन हमारा कम होगा, ये चीज को हमेशा याद रखना, भूलना मत,
और कंपटीशन बताऊं किस चीज कराया जाएगा, रैंक कराया जाएगा कि आपकी रैंक ज्यादा ऊपर है, सेकंड रैंक है, टेंथ रैंक है, इलेवंथ रैंक है, मेरी इलेवंथ रैंक है, ट्वेल्थ रैंक है, हमारे बीच में इस चीज का कॉम्पिटिशन होगा। पास फेल का कॉम्पिटिशन हमारा खत्म हो जाएगा। कब होगा? जितनी ज्यादा रिविजन उतना कॉम्पिटिशन हमारा कम होगा। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।